बलवंत क्या कर रहे हैं यार कुछ नहीं बस थोड़ा सर्च यार कर चलना तुझे कश्मीर लेके चलते कश्मीर आ, कश्मीर लेकिन मेरा तो कुछ प्लान ही नहीं है अभी प्लान नहीं है तो क्या हुआ बना लेते हैं चल तुझे कश्मीर लेके चलते पूनम हमारे साथ जुट चुके हैं और जाहिर तौर पर कश्मीर में तुझे ले आई हूँ नाना पूनम हमारे साथ मौजूद है और पूनम यू नो आपको देखते ही कश्मीर की ब्यूटी सामने आ जाती है और जिस तरीके से आप डांस करती हैं डोगरा कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं वो तो तुमने देखा ही होगा तो थोड़ा बताइए जरा अपने बारे में hello everyone so my name is Poonam. i have represented jammu and kashmir in terms of folk dance at national platform i am tgpc's talent of the month winner 2020 i have represented jammu and kashmir in terms of uh, pageant uh, industry also and i am the finalist of jammu kashmir uh, miss india thank you oh, itte sare beauty pageant or uh, before we start uh, uh, पूनम जरा ये तारुफ दो यार अपने ये तुमने ये सब जो रखा हुआ है इन सब का तारुफ दो बलवंत को तो मेरा भी भी थोड़े मेरे को लगता वाई भी है ऑफ बट हाँ। सही लग रहा जो भी है हाँ। है तो बस सही बस है जरा बताओ यार ये सब क्या है वैसे तो हम जानते हैं हमारी है। शिकारा है फ्रॉम डल लेक तो आप कभी आइए कश्मीर उसकी ताजा हवा को देखिए खूबसूरती को महसूस करिए और डल लेक में तो जरूर आना क्योंकि शिकारा का जो मजा है डल लेक में वो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला और प्रियंका तुम खाने की बहुत शौकीन हो राइट तो वाजवान जो है उसके बारे में थोड़ा हाँ यार Uh, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा फूडी हूँ और कश्मीरी खाना जो है स्पेशली uh, वो तो अट्रैक्ट करता ही है डोगरी खाने में भी uh, बहुत सी अट्रैक्शन क्योंकि हंड्रेड प्लस जो डिशेज़ हैं वो देखने को मिलती हैं तो थोड़ा वाजवान से रिलेटेड भी बताओ यार वाजवान से रिलेटेड मैं क्या बताऊँ उसको आप खाइए और महसूस करिए मैं तो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हूँ और मेरा तो राजमा लेकिन सच में बताऊँ बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट है राजमा के बिना तो आई डोंट ईट माई फूड मतलब हमें तो संडे को ही मिलते हैं वो तो, हमारे स्पेशली बना है कभी। तो कश्मीर में कुछ ऐसा होता है कि संडे में कुछ स्पेशल रोगन है। एक एक हमारे लिए हफ्ते में एक बार मिल जाती है दो हफ्ते में एक बार मिल जाती है तो हमारा पनीर नदरू यखनी बिल्कुल प्रियंका एक और चीज़ नॉन जो आइटम्स होती है ज्यादा रहती है मेरे को तो ये लगता है की जो वेज नो ऑफेंस ये जो वेज लोग खाते है ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं Uh, मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ आपके अच्छा सामने exactly. ये वेज हैं और इन्होंने तभी तो कहा कि पनीर उनका फेवरेट है हफ्ते में दो दिन बार उनको मिल भी जाता है आई uh, गेस हमारे जितने भी व्यूअर्स वी हमारे साथ जुड़े होंगे हमें देख रहे होंगे वो सब भी नई नई डिशेज जो हैं वो इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए तो कुछ कश्मीरी समथिंग लाइक बहुत खास नदरू यखनी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बहुत टेस्टी है हम कश्मीरी में जैसे बोलते हैं हाक इन डोगरी हम कहते हैं कड़म वो भी काफ़ी टेस्टी है तो ज़रूर टेस्ट करिएगा ये बहुत फेमस डिशेज़ है कश्मीर से

टू बी पर्सनैलिटी लाइक यू है कि एक थॉट प्रोसेस कहाँ से आया और वो भी जाना चाहेंगे और थोड़ी सी हमें भी इंस्पिरीशन तो दे दो थॉट प्रोसेस है तो so, पहले गाना सुन लें बिल्कुल कश्मीरी गाने से हाँ चलो एक कश्मीरी गाना एक डोगी गाना भी सुनेंगे सब उसके बाद सब सुनेई स्टार्ट फ्राम कश्मीरी सॉन्ग डुक डगु में आ बस दरिया वस्तर अंतरान सु छुम परे भया पारे मरान मरान वेरी नाइस nice यार वेरी नाइस nice. बिल्कुल अच्छा आप भी गाती हैं मेरे को लगता है नहीं गाती तो हूँ मैं भी तो मैं भी सुनना चाहूंगी <laughs> तो आप भी okay. अगर थोड़ा सा कश्मीरी गा लेगी आप हां uh, ओके okay. <laughs> तो मैं भी एक एक, एक, एक अगर चंद छोटा सा कश्मीरी ओके फॉर यू पूनम दिल भरो गई वब्बई चाने दीदार तो तो अच्छा, अच्छा, अच्छा प्रियंका मैं इससे पूछूंगा पूनम से पूनम अ... पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है ना जम्मू कश्मीर की हम बात करें आर्टिस्ट इतने ज्यादा हैं और आजकल तो काफ़ी निखर के सब कुछ आ रहा है सामने और टेक्नोलॉजी इतना हाइप पे चल रही है और उसका जो इफेक्ट है वो पड़ रहा है एक प्लेटफॉर्म जो है इतना अच्छा प्लेटफॉर्म एक जो आर्टिस्ट बताइए कितना जरूरी है एक प्लेटफॉर्म एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उसकी क्षमता को निखारता है और और जैसे मैं एक आर्टिस्ट हूँ मैं जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करती हूँ मेरे लिए भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक प्लेटफॉर्म मिल पाए मुझे मैं जहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करूँ अपना जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करूँ अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ तो हम ये अपॉर्चुनिटीज का ही वेट करते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी एक आर्टिस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल अपॉर्चुनिटी तो इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे पहला वाला जो हमारा सवाल था आपकी जर्नी से रिलेटेड एंड हाउ यू रिप्रेजेंट वो हम लोग भूल रहे हैं मुझे लगता है ऑडियंस हमारी बहुत स्मार्ट ऑडियंस है दे रियली टू नो दैट दैट सो प्लीज टेल अबाउट ओके जैसे कि मैं कश्मीरी माइग्रेंट हूँ तो वी आर अ फोर्स माइग्रेंट कश्मीरी पंड इन 1990 तो yeah. कहीं ना कहीं हम अपने रूट से अलग हो चुके हैं तो mm -hmm. मुझे हमेशा से इंटरेस्ट रहा है कि व्हाट इज इन इनआर रूट हमारा रूट है क्या एक्चुअल में बिकॉज आई फील समवेयर कि आई वांट टू गो बैक टू माई कश्मीर तो आई लव माई कश्मीर आई लव माई यू नो जम्मू एज वेल तो वहीं से स्टार्ट हुई मेरा जस्ट इन सर्च ऑफ कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट हमारा क्या है कम्युनिटी में स्पेशल क्या है इसके बारे में जैसे आपने वाजवान की तारीफ़ की हमारा डल लेक है जैसे कश्मीर है डोगरा कल्चर भी उतना ही ब्यूटीफुल है तो वहीं से शुरुआत हुई मेरी आई स्टार्ट डांसिंग तो डांस से लेकिन मुझे क्या रहा कि जैसे मैं काफ़ी कनेक्टेड हूँ माई रूट तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फोक डांस को रिप्रेजेंट करना शुरू करूँ तो मैंने अपना फोक कल्चर को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया और फोक डांस सीखना स्टार्ट किया जैसे कश्मीरी में हम रुफ़ करते हैं

बीच में ही एक आ, कल्चर की रूट्स जो है वो दब जाती हैं तो अभी डोगरा कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हो उसमें भी आपने मुकाम हासिल किए हैं सो हाउ यू स्टार्ट दैट जैसे मैंने कहा मैं कश्मीरी पंडित हूँ hmm. पर उसी के साथ मैं अपने आप को एक डोगरी भी मानती हूँ hmm. एक डोगरा कल्चर से भी रिप्रेजेंट करती हूँ खुद को बिकॉज hmm. जितना मुझे जम्मू ने दिया है उतना शायद मुझे कश्मीर ने नहीं दिया है तो मैं अपने आप को जम्मू कश्मीर की निवासी मांगती हूँ एज अ होल दैट्स वाई मैंने अपना डोगरा कल्चर को भी रिप्रेजेंट स्टार्ट कर, करना स्टार्ट किया और मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग इतना रिप्रेजेंट नहीं करते डोगरा कल्चर को जुड़ते नहीं हैं और डोगरी बोलने से तो भी मेरे को लगता है कहीं कुछ कहते नहीं है हिचकिजाते काफ़ी ज़्यादा है, है लेकिन प्रियंका रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा राइट बलवंत रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना जरूरी है जैसे कि पूनम ने एक एग्जाम्पल सेट की है नाइन्टीज़ के बाद

सही में आप डोगरा और कश्मीरी कल्चर को बहुत बखूबी से रिप्रेजेंट कर रही हैं बलवंत क्या कहेंगे मैं तो बिल्कुल ये मानता हूँ कि हाँ एमलगमेशन मैंने तो मैं पहले ही कहा अभी तो उन्होंने गोचरी में कुछ सुनाया नहीं सुनने क्या कुछ गोचरी में में कुछ सुना था कोई डायलॉग वगैरह कुछ आता हो कोई डायलॉग या, या कुछ या, कुछ, कुछ भी लाइक समथिंग लाइक हुडे कुंज मेरा गल पर बैठी उड़े, उड़े कुंज मेरा गल पर बैठी छाप न कर मेरी कुड़ जा और मुझे माफ करना अगर मेरा थोड़ा एक्सेंट गलत हो या गला कुछ हो जाए उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा मांगती हूँ नहीं नहीं पर आपने बहुत अच्छे से गाया क्योंकि मैं एक नॉन कश्मीरी हूं मैं भी कोशिश करती हूँ कश्मीरी गाने सीखने की और गाने की तो मैं भी कई बार क्षमा मांग ही लेती हूँ ऑडियंस से इतना तो है ना बिल्कुल चलता अच्छा कितना मुश्किल रहता है मॉडलिंग भी कर रही है गाना भी गा रही है, है, है थिएटर भी करती हैं ठीक है तो कितना मुश्किल कुछ बचा है? है पूनम कुछ बचा है जो अभी तक नहीं करना है अपने या नहीं किया नहीं मैं तो एक लर्नर अपने आप को मानती हूँ तो चाहे मैं जहाँ पर भी जिस भी जगह पर रहूँ मैं अपने आप को अपनी क्षमता से ना आगे बढ़ना चाहती हूँ कि मैं आई

स्टार्टिंग में क्या रहता है कि पेरेंट्स को यू नो इन्वाल्व करना उनको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है exactly, एग्जैक्टली वो तब इतना समझ नहीं पाते क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे ये चीज़ नहीं की होती है पर जब वो अपने बच्चे को देखते हैं देट दे आर ऑन राइट पाथ तो वो खुद ही आपको यू नो एक्सेप्ट कर लेते हैं आपकी चीज़ों को समझने की कोशिश करते और आपको सपोर्ट करने की शुरुआत करते हैं तो मेरे फादर मेरी मदर मेरी सिस्टर दे आर अ बिग सपोर्ट टू मी एंड चाहे वो मेरा डांस की फील्ड से हो या मॉडलिंग फील्ड से हो तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और दैट्स वाई आई एम आर इन फ्रंट ऑफ यू

जैसे कि कोविड की सिचुएशन की इन्होंने बात की मैं अपने घर पे ही यू नो यूट्यूब चैनल स्क्रॉल करना या इंस्टाग्राम पे जितनी मैं इंफॉमेशन कलेक्ट कर सकती हूँ या अपनी वॉक पे खुद घर uh, you know, पे आई एम ट्राइंग बट आई फील पॉलिशिंग इम्पोर्टेंट तो उसके लिए आई एम ट्राइंग सब कुछ फ्यूचर में अच्छा हो एंड आई नीड योर सपोर्ट एज वे तुमने देखी हो यूज रहते हैं इसमें एक, अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्किल है ना कोई भी प्लेटफॉर्म है मिस वर्ल्ड हो टी डि तो एक, एक एक्स्ट्रा स्किल इनके पास जो तो इतनी स्किल्स हैं तो वो कितना है? इनके पस इनके पस स्किल नहीं है और कुछ स्किल, ऐसी स्किल्स स्किल है जो हमें भी अभी तक इन्होंने बताया नहीं है कुछ रह गए जो हम

वो किया था मेरे माइंड से स्किप हो गया उन्होंने कहा था कि जो मेरा अटायर था वो जम्मू एंड कश्मीर का था राइट उसमें हर एक एलिमेंट चाहे वो जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे एलिमेंट्स थे तो तो की बात कर रहे हैं आप एग्जैक्टली exactly. तो कितना कितना सही रहेगा ना अगर जो अप, अटायर जो अटायर पोर्ट्रे करेंगी वहाँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उस पर कहीं ना कहीं जो एलिमेंट्स है क्योंकि इतनी चीजें जो है जम्मू कश्मीर की डाइवर्सिफाई हैं कितना सही रहेगा एग्जैक्टली बट आई फील जाके शायद मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहूँ और तो जम्मू कश्मीर सही को तो मैं रिप्रेजेंट कर ही रही हूँ सपोर्ट चाहिए एंड नहीं पार्ट बट शी एक्चुअली डज वॉट एवर शी थॉट ऑफ दैट वेरी थिंग एंड एक सोच सबसे पहले तैयार करना पूनम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आज की डेट में एक प्रॉपर गाइडेंस जो है वो भी लैकिंग है और फिर अगर गाइडेंस भी मिलती है फिर भी वो एक क्लोजर नहीं हो पाता है उस बात के लिए तो मतलब एक मतलब इस चीज को किस तरह से आपने देखा और कुछ ना कुछ डिफिकल्टी भी तो आपको फेस आई होगी शुरुआती दिनों में एग्जैक्टली स्टार्टिंग में पता नहीं था कि विच इज द राइट पाथ क्या मुझे राइट right जाना चाहिए क्या yes. मुझे लेफ्ट जाना चाहिए सिंगर बन डांसर बन ब्यूटीफुल टू अब मैं क्या करूं ब्यूटी सुबह अपने को देखती हूँ आज क्या बनू आज मैं डांसर क्या आज मैं सिंगर बनू या फिर किसी पेजेंट के लिए हां तो फिर क्या था मतलब तो जब मैंने देखा कि देयर इज़ अ होल पैकेज कहीं ना कहीं मिक्सचर है डांस का भी है म्यूजिक का भी है एंड पीपल यूज टू से दैट यू हैव अ गुड जॉ लाइन एंड देन माई मैटरनल एंकल ऑल्सो यूज टू यू नो सपोर्ट मी मैं बचपन में जब फोक डांस रिप्रेजेंट करती थी ही यूज़ टू क्लिक माई पिक्चर्स एंड ही यूज टू टेल मी बेटा जस्ट पोज फॉर द कैमरा एंड वैन आई यूज़ टू यू नो पोज देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट माई सेल्फ दैट देयर इज समथिंग एल्स ऑल्सो देन आई वॉज इंटरेस्टेड इन टू फैशन वर्ल्ड देन आई यूज़ टू सी फैशन थिंग्स देन

जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल जो है बनती हुई नज़र आ रही है लोगों को भी कही न कहीं ना कहीं जागरूक कर रही हैं कि अपने रूट्स से दूर ना होते जाइए क्योंकि बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है रूट्स के साथ जुड़े रहना क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी जनरेशन आएँगी

फिलहाल अभी के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत ऐसे ही और गेस्ट के साथ आपको मिलवाते रहेंगे टिल देन बाय बाय टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे ट्यून विद जेके चैनल